देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश की चिंता कर रही है। पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है और गहलोत को मुख्यमंत्री रहने की चिंता है और आरएलपी को प्रदेश के किसान और जवान की चिंता है। पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं लगातार बढ़ रहे, चाहे रीट का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से प्रदर्शन किए। पहले दिन से लेकर तमाम जिला मुख्यालय पर, दो दिन पहले जो जयपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रहा। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग हमने करी। हमने कहा कि कुछ लोगों को एसओजी ने पकड़ा है, जब एसओजी की एडिलेंस भी खुद ही पकड़ी गई तो एसओजी पे भी उंगली उठ गई। एसओजी सही काम नहीं करी, पहले भी एसओजी पर आरोप लगे। रीट के मामले में भी जाडोली जो बोर्ड का अध्यक्ष था सुभाष गर्ग पर आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी की जो था उसके ऊपर जहां से इकट्ठा करते थे, जो बना चंदा करने की संस्था, उस पर आरोप लगे उस रीट के मामले में और उस मंत्री पर आरोप लगे। लेकिन रीट की सीबीआई जांच नहीं कराई, हर पेपर लीक हो रहा है। वसुंधरा के समय पेपर लीक थी, ये परंपरा पड़ गई। पहले भी आरपीसी का चेयरमैन जेल गया था, मिलाजुली का खेल है। वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन लगातार राजस्थान के अंदर, उसकी वजह से व्यवस्था चरमरा गई। हम अपराध में एक नंबर पे आ गए, लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि पेपर लीक करने को एक मिनट समझते कि एक जमानत हो जाएगी, कर लो पेपर लीक, क्या फर्क पड़ता। और कितने फर्जी लोग नौकरियों में घुस गए, ये जांच कौन कराएगा, कब जांच होगी। एक व्यक्ति अगर पेपर आउट करा के नकल करके अंदर घुस जाता है तो 40 साल तक वो सिस्टम को खोखला करता है, वो ईमानदारी से काम नहीं करता, जो चोरी के माध्यम से पेपर की नकल करके जो नौकरी के अंदर आता है। ये सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ, इसके अंदर सीधे सीधे जो सुरेश ढाका है, वो अमित ढाका जो चीफ मिनिस्टर के यहाँ ओएसटी हुआ करता था, पंजाब कैडर का आईएएस, जो गृह मंत्रालय देखता था, वो सुरेश और अमित की उठभेड़ थी। वो अपने आप को सुरेश अमित का भाई बताता था और 13 कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता है सुरेश ढाका। उनके यहाँ बुलडोजर चलाए, लेकिन उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त थोड़ी की, दिखाने के लिए बुलडोजर चला दिए, पीछे से इष्ट दिला दिया दूसरी तरफ से। सरकार खुद नहीं चाहती, कल सीएम क्लीन चिट दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी आपसे हम सीबीआई जांच की तो मांग कर रहे हैं, और क्या करें। एक सेकंड ग्रेड की जांच सीबीआई से करा लो, अगर आप क्लीन चिट दे रहे हो और सीबीआई क्लीन चिट दे दे तो ठीक है। आप कह दो सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं मुख्यमंत्री को, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। हाँ, सीबीआई ईडी के छोटे मोटे दुरुपयोग होते हैं देश के अंदर, ये तो जिसकी सरकार है वो करती है, लेकिन ऐसे मामले में तो सीबीआई अगर किसी को मुलजिम बनाएगी तो उसको तो सारे सबूतों के आधार पर मुलजिम बनाएगी। तो हम चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर अमित ढाका, देवाराम, इनके ओएसडी जिनकी देवाराम के रिश्तेदारों की जो कोचिंग संस्थान के अंदर भागीदारी है, उनके रिश्तेदार पार्टनर है, तो ये सारा सिस्टम जो इनके एमएलए मिनिस्टर जो दिख रहा है सारा सिस्टम, ये सीबीआई जांच के बिना स्टेट की एजेंसी उन पे हाथ नहीं डाल पाएगी। क्योंकि गहलोत के समय महेश जोशी हो, चाहे इनका मंत्री, चाहे नावा का मेंदर हो, विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, मलिंगा, जिस तरह नजदीकी लोगों ने बदमाशी करी राजस्थान के अंदर, सीएम ने एक एक करके बचाया और हमेशा स्टेटमेंट देते थे कि परिवार का, अगर परिवार में कोई पाप करता है तो उसमें विधायक का क्या लेना देना। मुख्यमंत्री की मजबूरी है, उनको सरकार बचानी है और पायलट को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट प्रियंका गांधी से बात करें, राहुल गांधी से बात करें, बात करके इमीडिएट धरने पे बैठे हो, वो कह दे कि भाई कौन कौन आका उनका नाम बताएं और इमीडिएट उनको गिरफ्तार करें। और बीजेपी भी मिली हुई है, बीजेपी चाहे तो राज्यपाल उनका है, दिल्ली में उनकी सरकार है, ईडी हर जगह भेजते हैं अमित शाह और मोदी, तो ईडी भेजते हैं इस मामले में, रीट के मामले में और दोनों मामले में ईडी भेजे दिल्ली की सरकार। गवर्नर एक लाइन अगर लिख दे कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई, 35 लाख जवान सड़कों पर, भरोसा उठ गया राजस्थान का, आरपीएससी का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और कर्मचारी चयन आयोग का, अगर गवर्नर एक लाइन लिख देगा तो सरकार ही भंग हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच कराना दिल्ली वालों का हाथ में, कराना नहीं चाहते। बीजेपी चाहती है अशोक गहलोत चेहरा रहे ताकि उनको फायदा मिले, और सचिन पायलट चाहते हैं कि ऐसे बयान देखे और मैं चीफ मिनिस्टर बनूं जनता। आप सड़क पे आओ पायलट साहब, जिस तरह हम लड़ रहे हैं, आप छोड़ो कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हो, बयान जरूर दे रहे हो 4 साल से, क्या किया आपने, सरकार गिराने चले थे वापिस आके बैठ गए आप। सब राजस्थान जानता है कि कौन लड़ रहा है सड़क पे, अगर सड़क पे राजस्थान को बचाने का कोई काम करा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कौन